चारों तरफ से ये क्रिस्पी हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, एक एक करके निकाल देंगे। देखिए कितना सुंदर बना है ना। गोभी के कोफ्ते हमने दो पीस ले लिया है और काट के आपको दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है। देखिए चम्मच को ना हल्के हाथ से हम काट रहे हैं। ये देखिए हल्के हाथ से काटे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं रूपा हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के कोफ्ते। कुछ अलग तरीका से इसे बनाएंगे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी समय मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर गोभी मिला है, ये बिन मौसम का गोभी मिला है, खूब ताज़ा था फ्रेंड्स, है ना, इसीलिए हम इसे ले लिए हैं और बिल्कुल साफ है। पहले लेकर धो लिए थे। इतना नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, कुछ बनाएंगे और कुछ गांठे रख देंगे। बड़ा गांठे है तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार अगर गोभी मिल रहा है तो ले लीजिएगा और इसी तरह ये सब्जी बनाइएगा। फ्रेंड्स इसे गरम कर लिए हैं पानी को और इसमें नमक डाल दिए हैं। जो भी कीड़ा होगा अगर तो वो गर्म पानी इसके वजह से निकल आएगा बाहर। 5 मिनट तक छोड़ देंगे इसी में, तब इसके बाद हम घिसेंगे। है ना बहुत बड़ा है ना जो बहुत छोटा है। 2 प्याज ले लिए हैं और छोटी छोटी यहाँ टमाटर है, मेरे गमले का है तो मान लीजिए एक बड़ा टमाटर हो गया। 1 गांठ लहसुन है वो भी ले लिए हैं और 1 इंच के करीब अदरक है ये भी ले लिए। लहसुन प्याज और टमाटर को हम सब रफली छील के काट लेंगे। हम गरम मसाला हम दिखा रहे हैं, 1 बड़ी इलायची 1 छोटी इलायची 4-5 लौंग ले लिए हैं। फ्रेंड्स गोभी के ने 3-4 पानी से धो दिए हैं, कोई कीड़ा नहीं निकला है। अब इसे घिस लेते हैं, है ना। थोड़ा सा गर्म पानी की वजह से हल्का मुलायम पड़ गया है और 1 गांठ गोभी के ले लिए हैं। अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स कद्दूकस कर लिए हैं और इसमें क्या क्या मसाला डालेंगे वो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं। यहीं पर डालेंगे नमक। नमक अपना टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा क्योंकि ग्रेवी में भी नमक होगा। यही डाल देंगे हल्दी पाउडर, तीखी मिर्च, यही डाल देंगे 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, यही डाल देंगे थोड़ा सा हींग। मसाला और गोभी को अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं दबा दबा के। पानी में निकाल निकाल के कद्दूकस किए ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पानी है इसमें और गर्म पानी से धोए हैं तो पानी की मात्रा इसमें है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम पानी नहीं लिए हैं। पहले अच्छे से मसाल लेते हैं तब उसके बाद हम यहाँ बेसन डालेंगे। डालेंगे सो दिखाएंगे, बेसन का कोई अंदाज नहीं है, बस इतना बेसन डालना है जिसमें बॉल बन जाए। अभी यही डाल दे रहे हैं फ्रेंड्स बेसन, थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे पार्ट बाय पार्ट। देखिए अभी भुरभुरा है, है ना, इसमें और बेसन जाएगा। बेसन नहीं जाएगा फ्रेंड्स, सही है ना, बहुत भुरभुरा ही है लेकिन इतना में बन जाएगा। अब मन करे तो आप गोल गोल भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन हम लंबा बना रहे हैं, है ना। गोल वाला कोफ्ता तो सब कोई खाता है, थोड़ा सा लंबा शेप में हम बना रहे हैं। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। जो देखने में अच्छा लगता है वही खाने में ना अच्छा लगता है, भूख को बढ़ा देता है। इस तरह हम रोल की तरह बना लेंगे, है ना। ये बन जा रहा है और गोभी भी दिख रहा है, देखिए देख रहे हैं अच्छे से गोभी दिख रहा है। बेसन इतना ही मिलाना है और फटाक से नमक भी मिला है फ्रेंड्स, तो फटाक से पहले रोल बना के सब इकट्ठा कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, चलिए अब इसे फ्राई कर लिया जाए। फ्रेंड्स यहीं पर डाल दिए हैं 1 से 2 चम्मच के करीब तेल, है ना, सरसों का तेल डाले हैं। तेल में से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब क्या करेंगे, जो अदरक प्याज और टमाटर और लहसुन जो छीले हैं रफली छील के काट लिए हैं उसे डाल देंगे। डाल देंगे जो गरम मसाला हम दिखाए हैं, बड़ी इलायची और छोटी इलायची के मुँह खोल दिए हैं ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाएगा, इसीलिए इसी में ज़रा सा नमक डाल देते हैं फ्रेंड्स ताकि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का सा नमक डालिएगा, नमक कई बार डाला गया ना, एक कोफ्ते में एक यहाँ फिर एक ग्रेवी में पड़ेगा। फ्रेंड्स इसे ढके हुए बहुत देर हो गया है, अब खोल के हम देख लेंगे नहीं तो नीचे जल जाएगा ना।
अभी प्याज टमाटर हल्का सॉफ्ट नहीं हुआ है, फिर से हम चला के इसे ढक देंगे। देखिए प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, दो चार मिनट लगता है, भून रहे हैं ना फ्रेंड्स। इसका इससे होता है कि अब बिल्कुल बाजार के तरह, रेस्टोरेंट और ढाबा के तरह ही इसका सिल्की ग्रेवी बनेगा। मेन तो ग्रेवी ही होता है ना, उसके बाद कोफ्ता होता है। ग्रेवी अगर सही रहेगा फ्रेंड्स तो ग्रेवी से ही बाहर आप देखते होंगे पूरा खाना खा लीजिएगा, इतना टेस्टी ग्रेवी होगा। तो टमाटर या प्याज गल चुका है, अब इससे ज़्यादा हम नहीं गलाएंगे क्योंकि बाद में भूनना भी है। अब इसको ना बड़ा थाली में निकाल देंगे ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। सरसों का तेल का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम तेल में डाल देंगे फ्रेंड्स, है ना, ताकि फ्राई हो जाए। तेल हम अपने अंदाज से डाले हैं, आप अपने अंदाज से तेल डाल के यहाँ पर उलट उलट के फ्राई कर लीजिएगा। इतना ही हम डाले हैं फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। कढ़ाई को पकड़ते हुए हिला दीजिएगा ताकि तली छोड़ दे, तली में पकड़े नहीं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो नहीं पलटा है उसको हम पलट देते हैं। एक तरफ से सख्त हो गया है ना, इसीलिए कढ़ाई को पकड़ के हिला दिए हैं। कितना बढ़िया कलर आया एक तरफ से, अब दूसरे तरफ इसी तरह गोल्डन ब्राउन करके हम निकालेंगे। फ्रेंड्स वहीं पलटे हुए हैं, अब इसे हिलाते डुलाते हम देख लेते हैं पलट के कि दोनों तरफ से पका है कि नहीं पका है। आँच को हम धीमा कर दिए हैं, देखिए दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब क्या करेंगे ना, इसे निकाल लेंगे। थोड़ा देर के लिए ऐसे टेढ़ा कर दीजिएगा ना फ्रेंड, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह हम सब फटाफट से निकाल लेते हैं, देखिए कितना बढ़िया पका है, देख रहे हैं। और रुकिए हम हाथ से दिखा रहे हैं, इधर भी कलर सही है, इधर भी कलर सही है, खूब बढ़िया पका है। और गोभी के जो दाना दाना दिख रहा है, बाइंडिंग उतना ही हम मिक्स किए हैं, इसीलिए बेसन का अंदाज हम नहीं दिखाए हैं आपको। अब इसी तरह हम सारा तल लेते हैं, आँच धीमा करके हम डालेंगे गोभी वाला रोल, क्योंकि आँच तेज करके डालिएगा ना तो तेल काफ़ी गर्म हो चुका है तो ये जल जाएगा। आँच थोड़े देर तक धीमा कर देंगे ना तो तेल हल्का ठंडा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा अंदर अंदर जाके ये भी पक जाएगा। जैसे ये पहला बैच बनाया उसी तरह दूसरा बैच तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप भी तल लीजिएगा, इसी तरह हम भी तल के फिर निकाल के दिखाएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दूसरा बैच भी तैयार हो गया है, और अब इसमें से तेल हम निकाल देंगे, अंदाज भर तेल रखेंगे। ये यहीं पर डाल देंगे, दो छोटी छोटी तेजपात है, और यहीं पर डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा, और यहाँ प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिए हैं, अब डाल देंगे यही। अब डाल दिए फ्रेंड्स, अब इसे भून लेते हैं, है ना। प्याज गलाने के लिए नमक डाले हैं फ्रेंड्स, तो अंदाज से यहाँ नमक डालिएगा। यही डाल देंगे किंग मसाला, एक छोटी चम्मच हम डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मसाला कोफ्ते में नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोफ्ता बॉल में भी मसाला है, इस बात को ध्यान रखना है। ग्रेवी में अगर मसाला डाल रहे हैं तो आप छोटी छोटी चम्मच का यूज कीजिएगा। डालेंगे तीखी मिर्च, तीखी मिर्च की चटपटी खानी है या कैसे खाते हैं आप लोग उसी अनुसार डाल लीजिएगा मिर्च का। यहीं पर डाल देंगे हल्दी पाउडर, अब कुछ नहीं डालना है, बस इसको भूनना है। यहीं पर डाल देंगे जरा सा हींग, फ्रेंड्स देखिए मसाला भून चुका है। जब मसाला भून जाता है ना फ्रेंड्स तो ये खुरदूरा मसाला हो जाता है, देखिए कैसे खुरदूरा मसाला हुआ है, देख रहे हैं दानेदार। इसी तरह मसाला हो गया है, और इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। यही डाल देंगे एक छोटी चम्मच से भी कम है कसूरी मेथी, यहीं पर डाल देंगे, और यहीं पर डाल देंगे हम धनिया पत्ती साथ में, और फ्रेंड्स यहीं पर डाल देंगे एक चम्मच के करीब मलाई है, फ्रेश मलाई है, दूध से अभी अभी निकाले हैं। इसे डाल के अच्छे से भून लेंगे दो चार मिनट, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स तीन चार मिनट हो गया भूनते हुए, अब इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे,
और खूब बढ़िया तेल से मसाला छूट गया है। अब यही डाल देंगे पानी, मिक्सी जार में पानी हम ले लिए हैं। मिक्सी जार को हम धोते हुए पानी लिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा मसाला चिपका हुआ था, इसीलिए अब इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। फ्रेंड्स इसमें उबाल आ गया है तो एक चम्मच ले लिए हैं, और ग्रेवी काफ़ी गाढ़ा है, कोफ्ता के ग्रेवी फ्रेंड्स गाढ़ा ही रहता है, तो थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। हल्का सा नमक जाएगा फ्रेंड्स, कोफ्ता बॉल हम खा के देखे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसमें नमक सही है, यहाँ नमक कम है। उस समय लोग क्या करता है, ग्रेवी तैयार कर लेता है, कोफ्ता बॉल तैयार करके अलग रखता है। जब खाना होता है तो फिर ग्रेवी गर्म करके तब कोफ्ता बॉल उसमें डाल के तब सर्व किया जाता है, क्योंकि कोफ्ता बॉल ग्रेवी बहुत ज़्यादा घींच लेता है। लेकिन हम लोग घर पर बना रहे हैं, अगर तुरंत खाना है तो आप यहाँ ग्रेवी गाढ़ा रखिएगा तुरंत खाना है तब, और थोड़ा एक आध घंटा बाद आपको खाना है तो आप क्या कीजिएगा, ग्रेवी को थोड़ा पतला बना दीजिएगा, वो अपने आप ग्रेवी ना घींच लेता है। यहाँ पर हम डाल दिए फ्रेंड्स, अब हल्के हाथ से चलाएंगे क्योंकि इसमें बाइंडिंग बहुत कम मिलाए हैं बेसन का मात्रा। इसे पकाएंगे नहीं फ्रेंड्स, अभी ये रेडी हो गया है, अब गैस ऑफ कर देते हैं और ढक के 5 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि तेल ऊपर ऊपर आ जाए। फ्रेंड्स यहाँ कोफ्ता उतार के लिए आए हैं, 5 मिनट हो गया है ढके हुए, और देखिए कितना बढ़िया तेल छोड़ा है फ्रेंड्स, है ना, कितना बढ़िया ऊपर से तेल आया है। हालांकि धनिया पत्ती तो इसमें डाले हैं, और चला के आपको दिखा रहे हैं कोफ्ते, ये देखिए देख रहे हैं कितना मस्त बना है। चलिए फ्रेंड्स अभी इसे सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ग्रेवी दिखा रहे हैं, देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी है फ्रेंड्स, इसी तरह हूबहू आप भी बनाइएगा। और अभी चला दिए हैं ना, से तेल इसमें मिक्स हो गया है ग्रेवी में, और जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ऊपर आ जाएगा। कोफ्ता बॉल हम यहीं पर सर्व करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत धनिया पत्ती रखे हैं एक आधो, इससे हम सजा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ गोभी के कोफ्ता हमने तैयार कर लिया है कुछ अलग ढंग से, इसे आप खाइएगा ना तो मुंह में क्रीमी टेस्ट आएगा, हूबहू ऐसा लगेगा कि किसी रेस्टोरेंट या ढाबा में हम खा रहे हैं। एक बार मेरी वीडियो फॉलो करते हुए एक बार बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, उसके बगल में एक बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे इसी तरह एक मज़ेदार से रेसिपी लेकर, तब तक के लिए राधे राधे। फ्रेंड्स जाते जाते लाइक तो करते जाइए, इतना देर तक मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स हम गोभी के कोफ्ता यहाँ तैयार किए हैं, आप भी तैयार कीजिए, हूबहू ये रेस्टोरेंट और ढाबा की तरह बना है।